हेलो भाई, मैं हूँ सार्थक गौतम। आज आपको दिखाने लगा हूँ स्कॉर्पियो N Z6 वेरिएंट भाई, ऑटोमेटिक के अंदर है भाई ये वेरिएंट। पहले तो भाई जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो वगैरह को लाइक कर देना। अब देखो भाई फ्रंट से चालू करते हैं। देखो हेलोजन ही पूरा सेटअप है यार, इंडिकेटर वगैरह आपके नॉर्मल मिलते हैं ऐसे आपके। देखो नीचे एयर वेरिएंट्स वगैरह भी दे रखे हैं उन्होंने, और कोई फॉग लैंप वगैरह इसमें नहीं है, आप एक्सेसरी में इंस्टॉल करा सकते हो। अब देखो सिल्वर की फिनिश में देखो ग्रिल वगैरह दे रखी है, ऐसे पूरी एक पट्टी सी जाती है इसी में, फ्रंट में ही है। देखो सिल्वर फिनिश दे रखा है, ट्विन पिक लोगो हो गया आपका। और देखो भाई मतलब एक स्टांस है, मतलब एक यूज सी गाड़ी लगती है जो किया सेल्टोस क्रेटा वगैरह, यार ये तो कुछ भी नहीं लगती इनके सामने यार, छोटी छोटी सी मस्त 7 सीटर आपको गाड़ी मिली रही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखो भाई इसमें टायर देख सकते हो, इसके जो भाई टायर का सेक्शन है वो देख सकते हो, 245/65 R17 इंच के टायर मिल रहे हैं भाई। और देखो कंपनी स्टील व्हील लगा के दे रही है, क्लैडिंग वगैरह देख सकते हो, ऐसी बाइक लेडिंग छोटी छोटी सही लग रही है देखने, मतलब अच्छी है। और देखो ये इंडिकेटर हो गया, LED में है भाई आपका, फुल LED सिस्टम है, फोल्ड वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ एडजस्ट हो जाते हैं अंदर से। और देखो अपना सही है, अपना कोई बडल लैंप वगैरह ऐसा कोई फीचर नहीं देती कंपनी भाई, अपना टॉप मॉडल में भी नहीं, ऐसे डोर वगैरह हो गए इन यदा। ये आपका जो ग्लोबल एनकैप है ना उसमें शायद ये बिल्ड वगैरह, तो देखो ऐसा तो अच्छी फील होती है, देखो ये पैर वगैरह चढ़ने का है, पर यार 0 स्टार ला रखी है भारत में, और इंडिया में 5 स्टार, पता नहीं क्या चक्कर है, कमेंट में यार बताना। देखो सीट वगैरह रिक्लाइन वगैरह का एडजस्ट कर सकते हो, हाइट वगैरह नहीं एडजस्ट कर सकते भाई। 4 वही डिस्मिल है जो वेरिएंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, देखो यहीं से आपका खुल जाता है। देखो यहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड हो गया, अपना डीजल डलवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात है भाई। कम से कम 57 लीटर्स की फ्यूल टैंक देखो एडनॉक्स हो गया, देखो 57 लीटर्स में फ्यूल डल सकता है, डीजल की बात है भाई। और देखो यहाँ पे आपका ऐसे मिल रहे हैं भाई ऊपर के, सनरूफ वगैरह मिली रही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। डोर वगैरह आपके ठीक ठाक हैवी फील होते हैं, पता नहीं क्यों इसे 0 स्टार मिले, अब क्या चक्कर है, शायद पैसे ना खिलाएं हो यार, ऐसी बात नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है, कंपनी है भाई। देखो इंडिकेटर आपके हेलोजन में मिल रहे हैं पूरा, और जो ये आपकी जो ब्रेक लैंप है ये आपके LED में ही है, और आपका जो रिवर्स लैंप है वो भी आपका बल्ब में ही है। ये देखो पीछे देखो डोर खोलते हैं, ऐसे यहीं से डोर खुल जाता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अंदर से देखो यहाँ पे कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, सॉफ्ट बैग रख सकते हो भाई, अपना सॉफ्ट बैग आ जाएंगे, कुछ बड़े बड़े बैग का तो नहीं है, उसके लिए भाई आपको सीट लटानी पड़ेगी। और देखो यहाँ पे भी ऐसे खोलने को दे रखा है जैसे कि कुछ इमरजेंसी में खोल सको। और देखो आपका वाइपर डिफॉगर हो गया, हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया है ना, आपका ये सब चीज़ मिली रही है, ट्विन पिक लोगो हो गया आपका, आपका कैमरा वगैरह तो नहीं है इसमें, वाइट लैंप मिल रहे हैं जो नंबर प्लेट वाला जो होता है ना वो, या वाइट लैंप मिल रहे हैं आपके वाले देख सकते हो अपना। और स्कॉर्पियो एन की बैजिंग होगी भाई आपका, देखो आपके 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं है ना, और तो नहीं है भाई, ये अपना पीछे की लैंप हो गई, रिवर्स करोगे तो भाई लैंप तो जलेंगे ही, ऐसी तो बात है नहीं है ना। अब देखो व्हील कवर वगैरह लगा के दे रहे हैं भाई, व्हील छोटे छोटे से फील होते हैं यार, 17 इंच के व्हील है ना इस वजह से, 18 इंच के 19 इंच के व्हील यार इस पर जमते हैं, मतलब कुछ भी कहो जमते हैं भाई 19 इंच के व्हील। और पूरी लुक देखो यार गाड़ी की, सेल्टोस क्रेटा था कहीं नहीं टिकती इनके सामने। देखो ब्रिजस्टोन के टायर मिल रहे हैं, ऐसा कुछ व्हील कवर है। और देखो ये होगी भाई चाबी, ये जो चाबी है ना इसमें बीच वाला जो बटन दे रखा है लॉक अनलॉक का, तो फीचर है ये आपका बीच वाला बटन है ना, ये मत समझना, उससे आवाज़ होगी जो पौ पौ करती है, पौ पौ ऐसे करती है ना, वो सब इसमें सिस्टम नहीं है। इसमें 4 इंडिकेटर जल जाते हैं, देखो अब गाड़ी का गेट खोलते हैं, अब भाई चलते हैं अंदर से चेक कर सकते हो। देखो मतलब सॉफ्ट टच वगैरह कुछ नहीं मिला, चारों पावर विंडो मिल रही है भाई, देंगे कैसे नहीं, 21 लाख रुपये नहीं ले रहे ऑन रोड आगरा। और देखो ऐसे ऑटो डाउन वगैरह मिल रही है, ऑटो अप नहीं है वाली भाई विंडो। और देखो आपके जो डोर वगैरह हैंडल्स है ना वो आपके नॉर्मल दे रखे हैं, आपके मिरर वगैरह फोल्ड, देखो सीट वगैरह हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, लंबर सपोर्ट आप एडजस्ट कर सकते हो है ना, ऐसे तो भाई फीचर मिल जाते हैं। आपकी जो होते हैं ना फैब्रिक की सीट्स मिल रही हैं, और ट्विटर हो गया, अपने स्पीकर्स हो गए तो दे रखे हैं भाई ये। और यहाँ पे देखो कुछ बॉटल वगैरह रख सकते हो, पेपर्स वगैरह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई कि आपका हैंडल है, इससे SUV वाला जो फील होता है ना वो आता है पूरा, मज़ा आ जाता भाई। आप यार बताऊँ चैनल को सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा सपोर्ट करो भाई यार, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, थोड़ा मज़ा भी आएगा। के अंदर Z6 वाला वेरिएंट है, आपको मैंने बताया था जैसे कि इसमें भाई लगती है चाबी, इसमें नहीं है आपका फीचर वो वाला जो होता है ना, कौन सा वाला फीचर बताओ, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। अब देखो इसमें कीरिंग भी देखो दे रखा है उन्होंने, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखो ऐसे करेंगे तो ये आपकी ऑन हो जाएगी, और आपका फिर देखो ये हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन, ये देखो ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और देखो इसमें ब्राइटनेस वगैरह शायद मेरे ख्याल से कम है, चलो इसे तो देखते हैं। देखो अब देखना ये, ओ भाई साहब अनबॉक्सिंग हो गई, देखो अब ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको, ऐसा बड़ा प्यारा लग रहा है। अब देखो ये जो एडजस्टमेंट है ना वो यहाँ से होती है, क्रूज़ का वगैरह इन्होंने दे ही रखा है। और देखो ये आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल हो गए, मस्त कंट्रोल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, गाने सुनो बहरा बहरा के। अभी देखो ये आपका हो गया, यहाँ से वो एडजस्ट करते हैं, देखो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस टाइम हो गया, ड्राइव इन्फो हो गया,
फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, इसमें भी हम जा सकते हैं। वो फीचर तो यार थोड़े ऐसे ही हैं, मतलब जो वाली स्क्रीन है ना इनमें तो फीचर भाई ऐसे ही मिल रहे हैं, कुछ करने कनेक्ट वगैरह कर सकते हो, कोई बात ही नहीं है। सेटिंग वगैरह ऐसा हो गया, 220 की मार्किंग है, 180 तक तो चली जानी चाहिए, 180, 190, 200 तक शायद, है ना, बॉडी रोल वगैरह ज़्यादा फील नहीं होता। देखो नॉर्मली लैंप मिल रहे हैं आपके और नॉर्मली वाइपर हैं, ऑटोमेटिक का कोई सिस्टम इन्होंने दे नहीं रखा, जिप जैप जूम वगैरह ऐसे फीच वो आते हैं इसमें, ड्राइव मोड्स, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, और देखो यहाँ पे लाइट तो ऑफ है भाई, ठीक है। देखो यहाँ से वाइट लैंप मिल रहे हैं आपके, मैंने वाइड एंगल में नहीं करा था, देखो वाइट लैंप मिल रहे हैं, डोर पे कर दो, डोर पे जाकर माइक ईयर आपका, सनरूफ ईयर इतनी बड़ी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, ये आप तो भाई 300 में आ रही है पैनोरामिक सनरूफ, मज़ा आ जाएगा भाई। ये देखो ये होगी स्क्रीन, इसकी बड़ी प्यारी स्क्रीन है, मतलब सारे फीचर मिल जाते हैं इसमें, ऑलमोस्ट एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले वगैरह बैठा सकते हो, अपना ट्यून वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब अपना गाने आगे पीछे कर सकते हो। ये आपका बैक का बटन हो गया, ये आपका होम का बटन हो गया, कॉल का हो गया, या म्यूजिक का हो गया, सेटिंग्स का हो गया, ऐसे अपना तमाम भाई फीचर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिस्प्ले देखो, डिस्प्ले में जाएंगे, अब देखो ब्राइटनेस है ना, देखो यहाँ से अब हुई भाई ब्राइट, तो अब मज़ा आया है ना, देखो इतनी अब ब्राइट हो गई, अब सही लग रही है भाई देखने में, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका मैनुअली एसी मिल रहा है, पियानो ब्लैक फिनिश में है, तो भाई अच्छा सा लग रहा है देखने में, पर यार इतना मज़ा नहीं आ रहा यार ये चीज़ को देख के ना, ये वाले डोर हैंडल वगैरह देख के इन्हें करवाना पड़ेगा भाई, ये आपका ग्रैब हैंडल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। दो एयरबैग आ रहे हैं भाई इसमें, और देखो ये आपका हो गया हज़ार लैम्प ऑन ऑफ का, तो ऐसे कोई दिक्कत क्या है नहीं। देखो ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, वाइड एंगल में कर लेते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ड्राइव मोड हो गया, जिप जैप जूम, देखो जैप हो गया, जूम हो गया, जिप हो गया, है ना, ऐसे मोड मिल रहे हैं इसमें। देखो हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, और आपका हो गया ऑटोमेटिक स्टार्ट का, ये देखो भाई इसमें हो गया। देखो रिवर्स करेंगे, देखो बस ऐसे आवाज़ करने लगता है, देखो पीछे ऐसे 80 सेंटीमीटर पीछे, ये भी ठीक है भाई, है ना, वैसे कर देते हैं ऐसे। अपने देखो ये हो गया, देखो शिफ्ट लॉक वगैरह इन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है, इसे ऐसे शिफ्ट लॉक वगैरह है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें छेड़ेंगे नहीं ज़्यादा। तो भाई यूएसबी पोर्ट दो हो गए भाई, टाइप सी इन्होंने आगे नहीं दिया भाई, टाइप सी क्या पीछे है, क्या टाइप सी पीछे है, चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इनकी बुराई करता भर भर के मैं। देखो दो कप होल्डर हो गए, और भाई लेकिन 20,15,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है इसका, और देखो चाबी वगैरह रख सकते हो अपना, कुछ भी सर सकते हो, छोटा मोटा स्पेस मिल रहा है अपना, दो कप होल्डर मिल रहे हैं, सीट वगैरह क्वालिटी दे सकते हो, मतलब दिखने में भी सही है और मतलब क्वालिटी भी सही है, सेमी लेदर राइट तो नहीं है आपका। ग्लव बॉक्स वगैरह देखो, ये ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स, और देखो स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं तो ऐसा लगता है दिखने में। देखो इस इवेंट हो गया स्कॉर्पियो लिखा गया है, अब देखो बोनट वगैरह पूरा दिखाई देता है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये देखो यहाँ पे सिल्वर फिनिश दे रखा है इस इवेंट के सराउंड में, और देखो यहाँ पे क्रोम दे रखा है, और बढ़िया ही लग रही है यार, सॉफ्ट टच दे देते और भी मज़ा आ जाता, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब चलो भाई पीछे चलते हैं, और भाई तो इसमें डेड पेडल भाई दे रखा है उन्होंने, बड़ा कंफर्टेबल साइड डेड पेडल का भी सिस्टम, इनका भाई कंट्रोल देखते हैं भाई स्टीयरिंग मतलब कैसा है इसमें सिस्टम वगैरह है। हाँ देखो ऊपर नीचे होगा, और बस ऊपर नीचे ही है भाई, आगे पीछे नहीं है यार, चलो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब चलो पीछे चलते हैं, हो गया देखो यहाँ पे ऐसे सॉफ्ट टच वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत है ना। अब देखो यहाँ पे सिल्वर फिनिश हो गया, सॉफ्ट टच ही नहीं दे रहा भाई, सॉफ्ट टच देना चाहिए था यार, देखो कपोल्ड हो गया यहाँ पे, और देखो यहाँ से सीट वगैरह रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, देखो है ना, ऐसे कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखो इसे पीछे कर दो, बड़ी जान चाहिए भाई, जान चाहिए, जान है ना, शरीर में जान होनी चाहिए। चलो अब इसे बैठते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं भाई आगे से भी यार ऊँचे बैठे हैं हम लोग, देखो मतलब एकदम फील जो आ रहा है ना राजा वाला वो आ रहा है बिल्कुल। और देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अपना देखो सॉफ्ट वाला हो गया ग्रैब हैंडल, देखो यहाँ पे अपना कोट वगैरह टंगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, और गेट वगैरह भी तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो दो कप होल्डर मिल रहे हैं, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है जब ये ऐसे कर देते हैं तो फिर कम्फर्ट बचता कहाँ है, थोड़ा बहुत ये चुभते ही तो हैं ये, अब ऐसे है चलो ठीक है, दो कप होल्डर मिल रहे हैं मस्त अपना अय्याशी, मतलब वो अपना बढ़िया कर सकते हो अपना ऐश वगैरह, कोई दिक्कत क्या है नहीं। देखो टाइप सी पीछे मिल रहा है, और देखो यहाँ पे आपका क्रोम का सराउंडिंग हो गया, और देखो ऐसे यहाँ पे पियानो सा नहीं दे रखा है, रफ सा है, और देखो ऐसी इवेंट है मतलब यहाँ से आप लोग अगर एडजस्ट कर सकते हो तो ये बढ़िया है अपने हिसाब से, ऐसा कुछ हवा फेंकता है। और देखो यहाँ पे हो गया कुछ भी अपना रख सकते हो, देखो यहाँ पे कुछ अपना वैसा रख सकते हो अपना, कोई दिक्कत की बात है नहीं, सनरूफ वगैरह आपको मिल ही रही है। और तो भाई इसमें पीछे तो नहीं, और पीछे देखो दो सीट यहाँ पे मैं जा नहीं पाऊँगा, वैसे तो बच्चों के लिए ये है और तो है नहीं, और इसमें था सीट वगैरह रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, देखो यहाँ से देखो पीछे रिक्लाइन भी एडजस्ट हो जाता है, और हो जाए भाई बस भाई साहब तगड़ा रिक्लाइन, देखो ये बैठा हुआ है रिक्लाइन में तो पूरा, इसने पूरी रिक्लाइन कर रखी भाई, मज़ा आ रहा है भाई, और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब ओके मिल रहा है इसमें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, और कोई दिक्कत की बात है नहीं है ना, और तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब चल के इसका इंजन देखते हैं भाई, इंजन वगैरह क्या है इसमें क्या नहीं। बोनट खोलूंगा, बोनट बटन दबाया, इंडिकेटर चालू, यहाँ से एडजस्ट हो जाती है, 3, 2, 1 वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। भाई
ये देखो ये इसका इंजन 172 bhp की पावर बनाता है और 350 nm का टॉर्क डीजल में 2.2 लीटर का भाई ये इंजन है 2.2 लीटर का। डैम्पिंग वगैरह भी ये रखी है भाई इन्होंने। तो भाई यही थी आपकी स्कॉर्पियो एंड Z6 ऑटोमेटिक। तो जैसे ये Z8 सेलेक्ट जो मॉडल आया ना भाई बहुत प्यारा है, उसकी भी जल्दी वीडियो बना दूंगा मैं आप कहोगे तो। और मतलब सपोर्ट करो यार भाई को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक वगैरह क्या करो और भाई को सपोर्ट करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है यार, है ना, और थोड़ा बहुत हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ये भी आएगा तो मज़ा आएगा, हम भी गाड़ी खरीदेंगे फिर, है ना। चलो ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।